अश्लील वीडियो का एडिक्शन, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, उसका साइंस क्या है। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनविज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पोर्नोग्राफी का एडिक्शन ये आजकल की बहुत बड़ी बीमारी लोगों को हो चुकी है, बहुत बड़ा सरदर्द है। काफ़ी पालक वर्ग परेशान है, पेरेंट्स माँ बाप बहुत परेशान है कि अपना लड़का घंटों तक कमरे में बैठे रहता है मोबाइल लेके और करता क्या है। फिर कुछ लोगों को पता लगता है कि इसने अश्लील वीडियो देख रहा है वो, और अश्लील वीडियो देख के उसको उसमें वो टाइम पास कर रहा है। तो ये होता कैसे है, मतलब इसका साइंस क्या है? देखो, पोर्नोग्राफी में होता क्या है कि जब पोर्नोग्राफी मतलब अश्लील वीडियो देख रहा है, वो सेक्स के वीडियो देख रहा है, सेक्स एक्टिविटी करते करके मतलब करते हुए वीडियो देख रहा है, या सेक्स के बारे में और कोई उत्तेजनात्मक वीडियो देख रहा है, तो उसमें उसको बहुत मज़ा आना चालू हो जाता है। रात का शांत वातावरण है, रात में बैठा हुआ है और सेक्स के बारे में मतलब शांत वातावरण है, सेक्स के बारे में वो विचार भी आ रहे हैं, वीडियो भी देख रहा है। उसमें होता क्या है कि ब्रेन में डोपामिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। डोपामिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होने से मतलब वो इतना होता है कि जैसा कोई एखादा भांग हो या चरस हो या कोई भी ऐसे ड्रग्स हो कि जो ड्रग्स लेने से जितना ज़्यादा डोपामिन सिक्रीशन होता है, उतना ज़्यादा डोपामिन ये सिर्फ पोर्नोग्राफी वीडियो देख के होता है। मतलब उतना ज़्यादा कि जैसे कोई वो एक्साइटमेंट वाले या कोई दवाई ड्रग्स ले रहा है, एडिक्टिव ड्रग्स ले रहा है, या शराब ले रहा है, या कोई एक्चुअली सेक्स कर रहा है, मतलब सेक्स जब करते तभी भी डोपामिन बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, कोई लड़की से बात करते तभी भी डोपामिन रिलीज हो रहा है। तो ये क्या है कि एक रियलिटी को छोड़ के कि भाई एक्चुअली कहीं किसी से बात करना नहीं है, एक्चुअली सेक्स करने का नहीं, एक्चुअली कुछ भी करने का नहीं है, अनरियलिटी में जीना चालू हो जाता है और वो बार बार देखते बैठता है, उसमें उसको मज़ा आता है। तो रियलिटी से दूर होता है। अब जब रियलिटी से दूर हो जाएगा, वास्तव में नहीं रहेगा, तो फिर कैसा होगा? उसको एक्चुअली कुछ काम करने में मज़ा नहीं आता, सब काम नीरस लगता है, लाइफ बोरिंग लगता है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डोपामिन उसमें रिलीज हो जाता है अंदर, और कोई भी डोपामिन रिलीजिंग एक्टिविटी होंगी वो एक्टिविटी आदमी बार बार करेगा। मतलब ये चूहों में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया है और चूहों को ऐसा किया है कि उनको एक मतलब ब्रेन में ऐसा स्टिमुलेशन दिया, उनको ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स रख के और कुछ ऐसा मतलब हुक दिए या ऐसा प्रेस बटन दिया कि वो बाय चांस वो यदि वो प्रेस करते हैं तो वहाँ से कनेक्शन सीधा ब्रेन में जाएगा और ब्रेन में पर्टिकुलर एरिया वो स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से डोपामिन सीक्रेट हो जाएगा। जब चूहों को ये बाय एक्सीडेंट मालूम हो जाता है कि मैं कहीं पैर दबाऊं और पैर दबा दिया तो इधर स्टिमुलेशन हो रहा है, डोपामिन सीक्रेशन हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि चूहों को मालूम हो जाता है कि ये बटन दबाने से मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है, वो बटन दबा के रखता है और बटन छोड़ता ही नहीं। इस पर से आपको मालूम हो जाएगा, ये बंदरों में भी ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, डॉग्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, चूहों में एक्सपेरिमेंट्स किए गए ऐसे, और वहाँ से मालूम पड़ा है कि ये डोपामिन सीक्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना वो चीज़ का एडिक्शन उसको होगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बुरी जो चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं जिसमें वो करने के समय डोपामिन सीक्रेशन हो रहा है तो वो टालनी पड़ेगी। अब वो बुरी चीज़ होंगी स्मोकिंग, तंबाकू, शराब, सेक्स एक्टिविटी, ये चीज़ें डाल के, या पोर्नोग्राफी, या ड्रग्स, मतलब ये कैनाबिस, गांजा, चरस, ये सब ड्रग्स, ये चीज़ें छोड़ के जब मुझे कहाँ से डोपामिन ज़्यादा सीक्रेशन मिलेगा वो करनी चाहिए। जैसा हॉबीज़ करते हो, आपकी खुद की हॉबी है उसमें मज़ा आ रहा है ना, तो खेलते हैं जब तो उसमें डोपामिन सीक्रेशन हो रहा है, एक्सरसाइज करते जिम में जाते वहाँ डोपामिन सीक्रेशन है, कोई अच्छा गाना रिलैक्सिंग सुनते तो वहाँ डोपामिन सीक्रेशन होता है। तो ऐसे हमको ऐसी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जो अच्छी है, जो अपने हेल्थ को, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देगी और उसमें आपको अच्छा लग रहा है, उसमें डोपामिन सीक्रेशन हो रहा है, तो वही फिर करने की इच्छा होती जाएगी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि बुरी आदत जल्दी लग जाती है और जो बुरी आदत है जिसमें डोपामिन का सीक्रेशन केमिकल लोचा ब्रेन में हो रहा है वो टालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आदत बहुत पक्की हो जाती है और हम आदत से मजबूत हो जाते हैं, मजबूर भी हो जाते और मजबूत भी हो जाते। तो अभी तक इतना ही है कि हमको पोर्नोग्राफी जो है उसको डालना पड़ेगा, बच्चों के ऊपर ख्याल देना पड़ेगा, बच्चे क्या कर रहे अकेले बैठ के, आजकल मेरा बच्चा अकेला रह रहा क्या, ज़्यादा मोबाइल के ऊपर खेल रहा क्या, मोबाइल पे इंटरनेट डाटा कितना वापर रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, कर रहा क्या है, वो देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि अपना बच्चा पोर्नोग्राफी एडिक्शन तो उसका नहीं, उसको नहीं हो रहा है,
ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो ज़्यादा पेरेंट्स को शेयर करो, बच्चों को शेयर करो, ताकि लोगों को इनके बारे में जानकारी हो जाएंगी और ऐसा एडिक्शन क्यों होता है इसके बारे में जानकारी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ एक्चुअली पेशेंट को लेके आते हैं लोग, काउंसिलिंग ऑनलाइन भी करते रहते हैं, तो आप भी हमें फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं अपने अपने प्रॉब्लम्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।